द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू जब वो गोवा ट्रिप प्लान करते हुए, जो सबसे बड़ी गलतियां आप जो लोग करते हो ना, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको बजट ट्रिप करनी है और लंबी ट्रिप करनी है और रियल में इंजॉय करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी पूरी गोवा ट्रिप इस वीडियो पे डिपेंड करेगी। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो तो आप एक बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही बेहतरीन गोवा ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो गलती नंबर एक कि आप जब टैक्सी लेते हो तो वो एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आप टैक्सी ले लेते हो, और वहाँ के चार्जेस मैं बताऊँ, अगर आप बाघा जाओगे तो एयरपोर्ट से निकलते ही जो टैक्सी पकड़ोगे उसके चार्जेस लगेंगे 1500 रुपीज़ आपको। बट वहीं अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड एक आपको दिखेगा टोल बूथ बना हुआ है, वहाँ तक पार जाओ मुश्किल से 100 मीटर, उसके बाद वही टैक्सी आपको 800 रुपीज़ में बाघा बीच लेके जाएगी। तो कितनी बड़ी आपके 50% मनी जो है टैक्सी की, तो वो ऐसे बच गई। और मैं अभी और हैक्स भी बताने वाला हूँ। इससे भी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप साउथ गोवा जा रहे हो तो आप जो है GA08 या GA10 वाली टैक्सी देखो उस टूल बूथ के आसपास, क्योंकि यहाँ गोवा में एक क्या सीन है कि अगर आप कोई भी पैसेंजर बीच से एयरपोर्ट पे लेके आओ तो वहाँ से सवारी नहीं उठा सकते, या नेक्स्ट आप पैसेंजर नहीं ले सकते, इनका मतलब अपना कोर्ट है। तो अगर आप वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे तो जो भी टैक्सी जा रही होगी खाली GA10 या GA8, तो वो आपको आपकी बोले हुए पैसों पे लेके जाएगा, क्योंकि वो तो खाली जानी जानी है। और सेम गोज़ टू GA03 जो बागा साइड का है, तो वो देख के ज़रूर चलना, और टैक्सी पे मोर देन 50% आप बचा सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि ज़्यादातर लोग बागा बीच या नॉर्थ गोवा के कोई फेमस बीच के आसपास ही रहते हैं और वहीं पे अपनी पूरी गोवा ट्रिप ख़त्म करके वापस लौट जाते हैं। ये इससे बड़ी गलती आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप गोवा ट्रिप में, आप गोवा तो देख ही नहीं रहे हो, गोवा भाई बागा नहीं है, गोवा अंजुना सिर्फ नहीं है। आप थोड़ा सा अंदर जाके अगर आप लोगे, देखो अगर बीच साइड रहना है तो आप साउथ गोवा आओ, बट वहाँ पे नॉर्थ गोवा में जाकर आपको बीच साइड कोई रिजॉर्ट मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आप थोड़ा सा सिटी के अंदर लोगे, एक तो आपको इकोनॉमिकल मिलेगा, हाफ प्राइजेस में मिलेंगे, दूसरा आप घूम पाओगे, तब आपको पता चलेगा यार गोवा में, पूरे गोवा में ही वो वाइब है जो आप ढूंढ रहे हो। बट आप बीचेस पे रहोगे तो वही जो कमर्शियल शैक्स हैं और कमर्शियल पार्टियां, उन्हीं के शिकार बन के रह जाओगे। फिर आप लोगे यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो हम अपने क्लब में बैठ जाते। तो गोवा इज़ नॉट ओनली अबाउट बीचेज एंड शैक्स, वो आपको फील करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा सिटी में या गोवंस के बीच में रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती है, आप booking.com पे जाओ और थोड़ा जिसके रिव्यू अच्छे हो थोड़ा सा अंदर सिटी के अंदर देखो होटल, और आपको अच्छे रेट में मिलेंगे, हाफ प्राइजेस में, और बहुत अच्छे रूम मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, हायर स्कूटी। हर जगह टैक्सी लेके मत जाओ, 300 रुपये पर डे पे आपको स्कूटी मिलेगी। और जितने भी बीचेस या फेमस रेस्टोरेंट हैं या प्लेसेस हैं उस पर विजिट करो भाई। अगर आप ये सोचते हो यार बागा जैसा ही तो दूसरा बीच होगा, बीच तो बीच ही होते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। हर बीच का अपनी अलग वाइब है, अपना अलग फील देगा। किसी में यू नो जो प्लांटेशन है, कोकोनट ट्री है, वो बहुत पास है, दूर है, सैंड कैसी है, सी का लेवल कैसा, मतलब अलग ही ओरा होता है भाई। अगर आप सोचते हो जैसे कि आप किसी इंसान के साथ बैठ के दारू पीते हो या दूसरे इंसान के, दोनों में डिफरेंस है ना, सबका ओरा अलग होता है, सबकी बातें अलग होती है, ऐसे ही बीचेस का होता है। तो ये बिल्कुल मिस मत करना कि बागा और नॉर्थ गोवा में आके ही रह गए। सारे बीचेस कवर करो, सारे लिटनरी बना लो या एक दो बीच तो जाओ। जब आप स्कूटी लेके निकलोगे ना, जब आप ट्रैवल करोगे गोवा में, तभी आपको फील होगा हाँ यार ये कुछ अलग जगह है, यहाँ की वाइब अलग है। कहीं बैठो किसी शैक में, मेन सिटी में हो, तब उसके बाद देखना कि क्या आपकी गोवा ट्रिप जो आप प्लान करके आए थे उससे कितना बेहतरीन आपको गोवा ट्रिप लगेगी। चौथी सबसे बड़ी गलती कि लोग नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा के लिए टैक्सी लेते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा मोटी कमाई करते हैं टैक्सी वाले गोवा में। और ये बताने के लिए ना मुझे काफ़ी टैक्सी वाले नफरत करेंगे, बट मैं पिछली 2 ट्रिप से 3,000 रुपये या 2,500 रुपये में बागा या वेगेटर से पालोलम आता था। मिनिमम है 2,500 रुपये कोई ले ले, वरना 3,000 रुपये भटकते हैं वो लोग। और अगर आप सीज़न में आओगे ज़्यादा हाई में तो ये और भी प्राइस जाएगा। बट इसका सबसे आसान रास्ता है, बस आप सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, मतलब पर बंदा करोगे तो 150 से 200 रुपये, और 2 बंदे 300 रुपये के आसपास साउथ गोवा में एंटर कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, आप अगर वेगेटर पे हो तो वेगेटर से आप पकड़ोगे मापुसा के लिए बस, ठीक है, उसके 40 रुपये लगेंगे। मापुसा से सीधा आप जाओगे आप पंजी, उसके भी 40 रुपये हैं, ठीक। और पंजी से आप मडगांव जाओगे, ठीक, मडगांव से आपको मिलेगी बिल्कुल इलेक्ट्रिक बस मिलेगी एसी, और ये आप सोचो ना जाना बहुत लंबा नहीं, ये 10-10 मिनट के, 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20। और मडगांव से जब आप बस पकड़ोगे सीधा कोलवा बीच के लिए,
भी वो आपको लगेगा 40 मिनट, और वो बस इतनी अच्छी है ना, इतनी मस्त भाई। आप डिफरेंस देखो, 300 रुपये और 3000 रुपये, यू आर पेइंग 10 times, और टाइम भी उतना ही लगना है, 2 घंटे, 2 घंटे का टाइम लगेगा, और बस लगातार है, तो अपने पैसे बचाओ। फिर दूसरा, जब आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करते हो तो आपको ज़्यादा लोगों से बात करने का मौका मिलता है, ज़्यादा चीज़ें लोकली इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। टैक्सी में अगर आप जाओगे, आप लोगों से बात भी नहीं कर पाओगे, ना इतना इन्वॉल्व हो पाओगे, तो थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा उस जोन से बाहर निकलो, टूरिस्ट वाले गोवन बनो, गोवन के बीच में रहो। अच्छा, पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक, और जो मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है, खासकर हम इंडियंस के अंदर, ये इंडियंस के लिए है भाई, अगर तुम 4 या 5 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत सोचो कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा पूरा कवर कर दो, और फिर तुम उसके ऊपर एंजॉय भी कर लो, ठीक है भाई। 4 या 5 दिन में ना आप सिर्फ हार्डली 2 या 3 बीचेस कवर करो, और वो एक साइड चूज कर लो, या तो आपको नॉर्थ में रहना है या आपको साउथ गोवा में रहना है। अब उसका रीज़न क्या है कि यार, आप ऐसे अगर एक एक दिन में 2-2 बीचेस करोगे और भागोगे, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो आप नहीं कर पाओगे, ना आप कहीं फील ले पाओगे। गोवा में आपको बैठ के कहीं कम से कम बीच में 2 दिन अपने आपको टाइम दोगे, तब आपको अच्छा लगना लगेगा, हाँ यार कुछ है यहाँ पे, लोकल लोगों से बात करोगे, बियर पियोगे, समुंदर में नहाओगे, ये भागते रहोगे। ये खासकर कि चलो 4 या 5 दिन आपके पास है, आपको नॉर्थ भी जाना है, साउथ भी गोवा भी जाना है, दूध सागर भागोगे इधर उधर, कुछ भी नहीं आएगा, भागते रह जाओगे। तो हॉलीडे का मतलब हॉलीडे होता है, और मेरे हिसाब से गोवा को मिनिमम 1 हफ्ता दो वन साइड, अगली बार आओ 1 हफ्ता साउथ गोवा, 1 हफ्ता नॉर्थ गोवा। तो अपना पैसा टाइम और मूड वेस्ट मत करो, एक साइड चूज करो अगर 1 हफ्ता है। मैं अभी ये वाली ट्रिप मेरी 10 दिन थी, तो मैंने 5 दिन नॉर्थ गोवा और 5 दिन साउथ गोवा कवर किया, और ये भी पता नहीं चला कब निकल गए, कुछ नहीं पता चला। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पर।